आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत रामसागर पारा स्थित ननकू गैरेज के पास चल रहे जुए के फड़ पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 16 जुआरियों को गिरफ्तार कर जुआरियों के कब्जे से नकदी 63,140 रुपए एवं ताश पत्ती जब्त की है। बलौदाबाजार जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक वृद्धा की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई है, साथ ही उसके चेहरे पर भी वार किया गया है। महिला का शव उसके ही घर में जमीन पर पड़ा मिला। रायगढ़ खरसिया हाईवे के ग्राम चारभांटा दर्रा टोली के पास एक अज्ञात 30 से 35 वर्षीय महिला का शव मिलने के मामले को रायगढ़ जिले की भूपदेवपुर थाना पुलिस ने सुलझाकर आरोपी प्रेमी चारभांटा निवासी फत्ते सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेली जिले के सरगांव के देसी व अंग्रेजी शराब दुकान में रात में कुछ हथियारबंद डकैतों ने गार्ड को बंधक बनाकर दोनों ही मध्य दुकानों से लगभग 9,50,000 रुपए नगद और 2 क्विंटल वजनी लॉकर अपने साथ लेकर गए। रायपुर जिले की पंडरी पुलिस की टीम द्वारा थाना पंडरी क्षेत्र अंतर्गत चंद्रशेखर नगर के पास आरोपी पप्पू साहू उर्फ अब्दुल्ला को न्यू लक्ष्मी नगर मदरसा के पास गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से 34 पौवा देशी शराब जब्त किया गया। रायपुर जिले के धरसीवा पुलिस ने ग्राम माहूद सिलियारी के एक खेत में मिली फॉर्चून कंपनी के कर्मी की लाश का खुलासा करते हुए मृतक के सहकर्मी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में महिला स्व सहायता समूह और पुलिस प्रशासन द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कई चौक चौराहों में रोज कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को मास्क नहीं पहनने पर 570 लोगों से कुल 45,360 रुपए जुर्माना वसूला गया। रायपुर जिले की साइबर सेल व मुजगहन थाने की टीम के सदस्यों द्वारा घेराबंदी व रेड कार्रवाई कर ताश पत्ती से जुआ खेल रहे कुल 10 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। साथ ही कुछ जुआरी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल हुए। जुआरियों के कब्जे से नकदी 1,09,000 रुपए, 25 नग दोपहिया वाहन एवं 12 नग मोबाइल फोन जब्त किया गया। कोरबा जिले के चौकी हरदी बाजार क्षेत्र के ग्राम बमह निकोना खोरखोरा पहाड़ के जंगल में जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को पकड़ने में कोरबा पुलिस को सफलता मिली है। जुआरियों के पास से 52 पत्ती ताश सहित नकदी रकम 20,000 रुपए एवं 4 पहिया वाहन कार को जब्त किया गया है। चापा थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष सिंह परिहार ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक सफेद रंग की अर्टिगा कार में कुर्दा सिवनी मोड़ के पास मादक पदार्थ गांजा को खपाने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे 2 लोगों को पकड़कर 40 किलो गांजा व अर्टिगा कार को जब्त किया है। तस्करी के जरिए अवैध रूप से गांजा खपाने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को मुखबिर की सूचना पर सीतापुर पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर 4.5 किलो गांजा व बाइक बरामद की है। बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आरोपी मेरठ भागने की तैयारी में था। आरोपी के कब्जे से जांजगीर चांपा जिले के नवविवाहिता को मायके से पैसा नहीं लाने पर उसके पति और सास ने मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मृतका के मृत्युपूर्ण बयान के आधार पर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भिलाई 3 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी से चोरी गए माल को बरामद कर चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। 135 नग हाईक्रोम ग्राइजिंग मीडिया बाल जुमला कीमत 98,475 रुपए को बरामद किया है।
बिलासपुर जिले की आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने तखतपुर कोटा और चकरभाटा क्षेत्र स्थित 13 अलग अलग स्थानों पर कोचियों के खिलाफ धावा बोलकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। संयुक्त टीम की कार्रवाई में सोनबांदा, लमकेना, नगाराडीह से लाखों रुपए की शराब और लहान जब्त किया है। दुर्ग जीआरपी ने दो आरोपियों को 40 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से दुर्ग स्टेशन पहुंचे थे, यहां इनकी तलाशी पर ट्रॉली बैग से 2 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर और बीएस स्टैंड पर जगदलपुर पुलिस ने नाकेबंदी लगाकर 51 किलो गांजे के साथ कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जसपुर जिले के फरसाबहार थाने के मुंडाडी गांव में सड़क हादसे में 12 साल के बच्चे की जान चली गई। वो बकरी लेने रोड के उस पार जा रहा था, इतने में एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और वहां से भाग निकला। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। रायपुर जिले के कोतरा रोड थाना प्रभारी निरीक्षक चमन सिन्हा के नेतृत्व में कोतरा रोड पुलिस द्वारा ट्रक ट्रेलर वाहनों की चोरी व उनको कटिंग कर खपाने वाले गैंग के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर शहर सीमा से नजदीक बाबरा पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और इनोवा वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जगदलपुर शहर में NH-30 के चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर व्यापारियों में विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को 60 से ज्यादा दुकानों के व्यापारी एवं इलाके के रहवासियों ने नेशनल हाईवे 30 जगदलपुर रायपुर मुख्य मार्ग में चक्का जाम किया। राजनांदगांव से घर लौट रहे बाइक सवार युवक की तेज रफ्तार ट्रक ने जान ले ली। हादसे के बाद युवक की बाइक 2 हिस्सों में बट गई। हादसे में घायल कोकाबोर निवासी धर्मेंद्र वर्मा को इलाज के लिए सिविल अस्पताल खैरागढ़ लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बैकुंठपुर के कछौड़ धान खरीदी केंद्र में 20 बोरा धान चोरी करने वाले 4 आरोपियों में से 2 आरोपी को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़कर 8 बोरा धान की ढुलाई में उपयोग किए गए बाइक को जब्त किया है। इंदौर में बेमेतरा निवासी युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म के फरार आरोपी विपिन भदौरिया को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बेमेतरा से धारदार हथियार के साथ बेमेतरा पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के विरुद्ध 2 दर्जन अपराध पहले से ही दर्ज हैं। खैरागढ़ इलाके के प्रधान पाट बैराज के रास्ते गोवंश की बड़ी खेप कट्टी पार ले जा रहे गो तस्करों को हिंदूवादी संगठनों ने धर दबोचा। 10 से 12 तस्करों द्वारा गायों को महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था, जिसमें कुल 70 गाय, बछड़े और बैल शामिल थे। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सिवनी के एक घर से चांपा पुलिस ने 40 किलो गांजा जब्त किया है। पुलिस ने कार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मोबाइल से बात करते हुए चल रहे लोगों के हाथ से मोबाइल लूटकर भागने वाले 3 आरोपियों को धमतरी पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से 12 नग मोबाइल व घटना में उपयोग करने वाले 2 मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। जगदलपुर शहर के संतोषी वार्ड इलाके में बीती शनिवार की रात चोरों ने एक सफेद रंग की आल्टो कार चुरा ली। इसके बाद इसकी जानकारी पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार चोर को पकड़कर उसकी निशानदेही पर कार को बरामद कर लिया है।
प्रेम जाल में फंसकर युवती से दुष्कर्म कर इंटरनेट मीडिया में आपत्तिजनक फोटो और टिप्पणी अपलोड करने के मामले में जसपुर जिले के पत्थलगांव पुलिस की टीम ने आरोपी को दुर्ग जिले से गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर धरसीवा में साकरा के प्रसिद्ध कबाड़ी बंगाली कबाड़ी के पास जा रहे तीन ट्रेलर चोरी का लगभग 80 टन लोहा को खमतराई और सिमतरा पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने ट्रक चालक टिकेश्वर प्रसाद, के साई कुमार, आशीष यादव और खरीदार सोहन यादव, अजय नारंग, सुखलाल सिंह निवासी सिलतरा को गिरफ्तार कर लिया है।